शिवरात्रि पर इन उपायों को करने से बरसेगी भोले की कृपा। देवों के देव महादेव ऐसे अवधरदानी हैं जो बहुत ही सरल तरीके से की जाने वाली पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति शिवलिंग के अभिषेक में समाहित है। भगवान शिव सभी दुखों को दूर कर देते हैं। इस वर्ष 21 फरवरी शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव है अभिषेक प्रिय अर्थात कल्याणकारी। शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने से सभी देवी देवताओं के अभिषेक का फल उसीक्षण प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव वैसे देवता हैं जो महज एक लोटा गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि शिवलिंग पर कई ऐसी चीजें भी जो मनोकामनाओं के हिसाब अभिषेक में अर्पित की जाती हैं। मनोकामना के अनुसार करें अभिषेक। यदि किसी के विवाह में अड़चने आ रही हैं तो उसे बाधाओं को दूर करने के लिए गन्ने के रूप से शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का केसर मिश्रित जल से जलाभिषेक करने से विवाह संबंधी सभी अड़चने दूर होती हैं और शीघ्र विवाह होता है। साथ ही शिव कृपा से दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याएं भी शीघ्र ही समाप्त होती हैं। जीवन से जुड़े तमाम तरह के कर्ज को दूर करने के लिए पूरे शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस अभिषेक से साधक के सिर से न सिर्फ सभी प्रकार के कर्ज उतर जाते हैं बल्कि उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का पानी में दूध तथा काले तिल मिलाकर जलाभिषेक करें। शिव कृपा से शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होगा। शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और संतान का सुख मिलता है। गाय के घी से अभिषेक करने पर शिव के आशीर्वाद से धन में वृद्धि और आयु बढ़ती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है।